नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले वीक में मार्केट एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में दिखा सकता है, इसकी पूरी तैयारी इस वीक में करके मार्केट क्लोज किया हुआ है। कल के वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताया था दोस्तों कि मार्केट अपसाइड में क्लोज करना चाहेगा। अगर अपसाइड में क्लोज करना चाहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा। आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रांग क्लोज किया है, मतलब आने वाले वीक में मार्केट के लिए अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। लोग पोजीशन बना के गए होंगे अच्छा खासा, मतलब आने वाले वीक में मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए। तो आने वाले वीक में कौन से स्टॉक इसे ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, क्या पोजीशन बना सकते हैं, क्या तैयारी करके गए हैं हम लोग, इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल के डेली एनालिसिस में कि जैसे ही मार्केट अपर साइड में 34,930 के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल निकलेगा, आपको सेम कैंडल के ऊपर बाइंग कर लेना है और 50-60 पॉइंट से ज़्यादा कैसे रखिएगा मत। अगर मार्केट को ट्रेड देना है तो इतना ही एसएल के साथ आपको 300-400 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में मिल जाएगा। बहुत हैंडसम प्रॉफिट मिला होगा, हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए, बताइए। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रगल पोजीशन बनाए, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला अपने को। इसके बाद हम लोग लास्ट आर में एक पोजीशन बना के गए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, आप उसे मंडे को भी क्लोज कर सकते हैं अगर अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तब, ठीक है, या उसे आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं अभी डिटेल में, ठीक है। देखिए, जब मार्केट को बड़ा मूवमेंट देना है तो बहुत बड़ा एसएल की जरूरत पड़ता नहीं, एक छोटे एसएल के साथ आपको ट्रेड मिल जाता है। लास्ट डे भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि टॉप में अगर ये मार्केट शॉर्ट होता है तो आपको छोटे से सेल के साथ एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। आज भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है, तो ये पूरा वीक बहुत अच्छा रहा और इस वीक में केवल एक दिन हमें लॉस हुआ है। अगर आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, लगातार आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आपको सिर्फ इस वीक में एक दिन लॉस हुआ है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आज के लिए, ठीक है। ये आज का मेरा प्रॉफिट है, ये बड़ा डीमेट का है, छोटे डीमेट में तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आपको मिला होगा, ठीक है। और ये पोजीशन मैंने नेक्स्ट वीक के लिए बनाया हुआ है, आपको मैंने बुल कॉल स्प्रेड दिया है, ठीक है। देखिए, इस पे मैंने फ्यूचर बाइंग किया है और कॉल सेल किया है, आप लोगों को ट्रेड दिया हूँ मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाने के लिए, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड एक कॉल को, एटीएम कॉल को आपको मैंने बाई करने के लिए दिया है। 35,400 कॉल हमारा बाई है और 35,800 का कॉल हमारा सेल है, ठीक है। ये सेल है और ये बाई है, ये बुल कॉल स्प्रेड है। अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके भी मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है तो आपको इसमें एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये पोजिशन मैं इसलिए बनाता हूँ इसमें क्योंकि एक कवर्ड कॉल होता है, फ्यूचर मुझे फ्यूचर में ये जितना का प्रीमियम है ये प्रीमियम मुझे कवर देता है, ठीक है। और फ्यूचर जितना मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये उतना मूवमेंट नहीं करेगा, तो फ्यूचर में मुझे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी बड़ा होता है। ये स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छा रहता है जिन लोग केवल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं हेजिंग के साथ, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है। इसलिए जनरली मैं आपको इसे बनाने के लिए देता हूँ, इसमें आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों फिक्स है, अच्छा स्ट्रेटजी कहलाता है अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड में लेके जाते हैं तो। और मार्जिन भी बहुत कम लगता है इसमें, मार्जिन लगभग 2 लाख रुपए लगता है एक पेयर में, और जो मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाया उसमें लगभग 40,000 में ही एक पेयर बन जाता है, तो आपके लिए वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छा रहता है। आई होप आपने पोजिशन बनाया होगा। अब दोस्तों देखिए, इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे, ठीक है। देखिए, बैंक निफ्टी पॉज ले लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एक मूवमेंट किया, यहाँ पर पॉज लिया, ठीक है, और वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज किया ऊपर की तरफ। अगर आप देखें यहाँ से तो एक पॉज लिया यहाँ, एक पॉज लिया यहाँ, और यहाँ पर एक फ्लेग जैसा पैटर्न बना के निकलने की कोशिश कर रहा है, अब इधर जाना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो वीकली चार्ट में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है बैंक निफ्टी आप आने वाले फर्स्ट डे को, ठीक है। देखिए, अगर आप देखें दोस्तों तो पूरा जून, ओके, ये पूरा जून का मंथ यहाँ पर ट्रेड करके बिता दिया है, ओके। अब ये ब्रेकआउट करेगा तो आसपास रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस इसे मिलेगा यहाँ, मतलब रेजिस्टेंस का जो लेवल होगा, मैं पिन पॉइंट लेवल बताना चाहूँगा, 2 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये तो ब्रेकआउट कर जाएगा, मतलब 35,700 का, इसे तो एक झटके में ब्रेकआउट कर जाएगा अगर इसे ऊपर जाना है तो, या फिर डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा, ऊपर से भले नीचे आए और दूसरे दिन ऊपर रिवर्स करे, ओके, तो ऐसा मोमेंट हो सकता है। तो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है
जो अब मुझे नहीं लगता है कि इसे फेस करेगा रेजिस्टेंस की तरह, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करना चाहेगा। तो मंडे के दिन मार्केट क्या हो सकता है, थोड़ा गैप अप होगा, ठीक है, ऐसा मोमेंट, और थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे से फिर रिवर्स करना चाहेगा। जो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, और ये डिटेल हम लोग बात करेंगे डेली वाले एनालिसिस में, इसे आप इस तरीके से समझिए वीकली चार्ट में। इसे जो अपर साइड में रेजिस्टेंस मिलना चाहिए दोस्तों 36,530, ठीक है, ये मंडे ट्यूसडे के लिए होना चाहिए आने वाले वीक के लिए। ओके, एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो यहाँ तक है एक मूवमेंट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, तभी मैंने बताया था आपको कि 3 स्टेप में ऊपर जाएगा, ये दूसरा स्टेप है, इसके बाद एक छोटा रेजिस्टेंस ए है। तो मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से जाके इसके पास रुकेगा, और यहाँ नहीं रुका तो सीधा यहाँ रुकेगा, ठीक है। तो इसके लिए 2 रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, एक किसे पहले लेता है इस पे ध्यान रखिएगा, या तो ये इसे ब्रेकआउट कर जाए स्पीड में, अगर यहाँ पर स्पीड में ब्रेकआउट नहीं किया तो एक आध दिन होल्ड करेगा फिर इसके पास जाएगा। ओके, राइट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक बार के लिए काम करेगा, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो ये रेजिस्टेंस उतना रिलायबल नहीं होगा, फिर चूंकि डायरेक्ट लाइफ टाइम हाई है इसलिए, अदरवाइज से भी रेजिस्टेंस बनता, चूंकि थोड़े ही दूर में लाइफ टाइम हाई है 5-600 पॉइंट ऊपर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट आने वाले ट्यूजडे वेडनेसडे को अगर ऊपर जाता है, यहाँ पर देखना है अपने को रुकता है कि नहीं रुकता है, नहीं रुकता है तो फिर 37,000 का लेवल टेस्ट करेगा, और यहाँ से एक बार रीटेस्ट करके अगेन 1-2 दिन में हाई बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जुलाई का सेकेंड वीक शुरू होगा, जुलाई सेशन का सेकेंड वीक शुरू होगा, वहां तक हमें लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे रहा है, अगर ये पोजीशन कंटिन्यू रहता है तब। किसी कारण से अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तभी ये बेयरिश होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। देखिए इसके जो कंपोनेंट है, जो बड़े स्टॉक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 जून को मंथली चार्ट में क्लोजिंग हो जाएगा। मैं आपको स्टॉक में जाने से पहले इसका मंथली चार्ट दिखाना चाहूंगा। मंथ चार्ट में देखिए दोस्तों कि अगर नेक्स्ट वीक को 30 जून तक अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आसपास में क्लोजिंग आ जाएगा। ओके, तो मंथ चार्ट में ये जो कैंडल है बिल्कुल पॉजिटिव बन जाएगा, तो रिट्रेसमेंट भी हो गया और पॉजिटिव कैंडल बन के ऊपर की तरफ जाएगा। तो इससे पहले रेजिस्टेंस दिखेगा नहीं, मतलब 37,000 से पहले मार्केट में रेजिस्टेंस दिखेगा नहीं, मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। ओके, अब चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके स्टॉक, और उसे वीकली चार्ट में देखिए। तो सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सेटल कर लेता हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट में है। वीकली चार्ट में देखें दोस्तों, तो आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ गया, ओके, फिर एक रिवर्स आया नीचे की तरफ, फिर हाई बनाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, फिर कंटिन्यू गया है। देखिए यहाँ भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यू मूवमेंट हो सकता है। तो आने वाले वीक में बैंक निफ्टी के साथ जो चलने वाला स्टॉक है, ओके, वो एक्सिस बैंक है। कम से कम इसका 40-60 पॉइंट का मूवमेंट अपर साइड में दिखा सकता है। लाइन चार्ट में देखिए तो बहुत शानदार पैटर्न आपको दिखेगा। देखिए लाइन चार्ट में देखेंगे तो बहुत खूबसूरत पैटर्न दिख रहा है, और ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, लाइन चार्ट में देखेंगे तो इसके साथ एक बड़ा स्टॉक HDFC बैंक, इस बैंक को भी नजर रखिए, अगर ये चलता है तो मार्केट कैसे रुक सकता है, समझिए। तो देखिए ये भी एक पॉज लेके अपर साइड में ब्रेकआउट की तैयारी पूरा कर लिया है, तो आने वाले दिन में नियर हाई की तरफ भी जाते हुए नजर आएगा। 1600-1650 की तरफ आपको HDFC बैंक भी मूवमेंट दिखा देगा। तो अच्छे बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है, मतलब आप बैंक निफ्टी के साथ साथ इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, ये मूवमेंट दिखा सकता है और मार्केट को ऊपर ले जाने में, लिफ्ट कराने में इनका बड़ा योगदान होगा। साथ में दोस्तों ICICI बैंक, इस स्टॉक को भी नजर रखो, तो एक्सिस बैंक जैसा पैटर्न इसमें भी बन रहा है, ठीक है, एक्सिस बैंक जैसा पैटर्न इसमें भी बना हुआ है, और यहाँ से देखें तो पॉज लेके एक बहुत बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो बड़े कंपोनेंट्स इसके बैंक निफ्टी के, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अगर ये चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बुलिश क्लोजिंग आ रहे हैं, तो यहीं से तो साइन मिलेगा ना, और जब ये चलेंगे तो मार्केट कैसे रुकेगा। इतने दिनों से, लगभग 1 महीना से बैंक निफ्टी को टॉप में दबा के रखे थे, ठीक है, सेलर,
और निफ्टी को लाइफ टाइम हाई बना रहे थे। तो दोनों अलग अलग इंडाइसेस कैसे चल सकते हैं? ओके, तो आपको पहले से तैयारी रखना पड़ेगा कि मार्केट में मूवमेंट आ रहा है और वो कैसे आ रहा है, कौन लेके जाएगा। तो ये हैवीवेट स्टॉक अगर चलेंगे तो नो डाउट एक बढ़िया मोमेंट हमें अपर साइड में देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा चार्ट तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, केवल कोटक बैंक थोड़ा खराब है। बट डेली चार्ट में देखेंगे तो लोअर साइड में अब इसका भी बहुत ज्यादा जगह है नहीं। मैं कोटक बैंक में फ्यूचर प्लस किया हूँ, ठीक है, मैं अपना पोजिशन आपको बता दूँ, आज ही मैं टॉप में बाई किया लेकिन थोड़ा नीचे आ गया। बट मैं इसका देख रहा हूँ कि नीचे की तरफ बहुत बड़ा जगह नहीं है, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मुझे जगह अच्छा मिल जाएगा। तो अगर ये नहीं भी गिरेगा तब भी मार्केट को इनडायरेक्टली सपोर्ट देगा, ठीक है। चलिए, दूसरा जो सबसे बढ़िया स्टॉक है वो है SBI। ओके, हालांकि SBI में बहुत बड़ा जगह नहीं है, ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, बट क्लोजिंग बहुत अच्छा आया है। अगर ये नीचे भी नहीं जाता तो मार्केट को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। तो SBI, इंडसइंड और कोटक इससे बहुत ज्यादा तो उम्मीद नहीं है, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं इन लोग, लेकिन एक्सिस हो गया, ओके, HDFC बैंक हो गया और ICICI बैंक, ये तीन बैंक मिलके बैंक निफ्टी को एक बड़ा मोमेंट अपर साइड में दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोटक नहीं चलेगा, SBI नहीं चलेगा, इंडसइंड नहीं चलेगा, ये भी चलेंगे और अच्छा भी चलेंगे। कोटक बैंक में तो जगह भी बहुत है ऊपर तरफ जाने के लिए। लोअर साइड में अगर इन लोग गिरे भी ना, अपने जगह पे रुके भी, तो इनके जो बड़े स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, उससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और ये लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है। तो अच्छे स्टॉक इनके मूवमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वीक में हम नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। एक दो वीक में मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का मध्य जुलाई तक, मतलब 15 जुलाई के आसपास लाइफ टाइम हाई की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं मार्केट को। एक ही बात ध्यान रखना है कि मंडे को कोई बड़ा गैप डाउन ओपन ना हो जाए, कोई बैड न्यूज ना आ जाए, इसके बाद अगर पॉजिटिव रहता है तो कोई बड़ा चांस नहीं है मार्केट को नीचे जाने के लिए, अपसाइड ही मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में दोस्तों अगर आपके पास पोजीशन बना है तो ठीक है, अगर पोजीशन नहीं बना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस कैंडल का डेली कैंडल का, इस कैंडल का लो का SL रखिए, मतलब 34,900 का। और अगर मंडे को आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो आप इसे लेके जाइए, इस पॉइंट का, इस कैंडल का SL रखिए, इसके नीचे क्लोजिंग का, आपको लगभग 300-400 पॉइंट का SL बनेगा और टारगेट एटलीस्ट 1000 से लेके 1500 पॉइंट का अपर साइड में मिल सकता है, 37,000 के आसपास का मिल सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा आपको बैंक निफ्टी में अगर आप इसमें पोजिशन बना के जाना चाहते हैं तब, ठीक है। फ्यूचर में एक तरीका और भी है कि आप फ्यूचर बाई करें और कोई भी इन द मनी पुट बाई कर लें हेजिंग के लिए, ठीक है, वो अच्छा ट्रेड बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा डेल्टा देखना पड़ेगा, जिसका डेल्टा 70 हो, ठीक है, जिसका डेल्टा, जिस पुट का डेल्टा, ITM पुट का डेल्टा जिसका 70 है उसे बाइंग करके जाइए। मतलब आपके फ्यूचर को स्टॉप लॉस, फ्यूचर में स्टॉप लॉस 30% लगेगा, ठीक है, बाकी 70% लॉस को कवर कर देगा जिसका डेल्टा 70 रहेगा, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में एक लेबल दे दूंगा पोजीशन बनाने के लिए, स्विंग के लिए, ठीक है, वीकली पोजीशन बनाने के लिए, कि कौन सा आप ऑप्शन को बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर के साथ, राइट। इसे आप ध्यान रखिएगा मॉर्निंग मंडे को। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों साथ में देख लेते हैं निफ्टी को। देखिए निफ्टी में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ, हालांकि निफ्टी भी क्लोजिंग बहुत अच्छा किया है। निफ्टी में जगह नहीं है असल में चलने के लिए ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं जाएगा, लेकिन निफ्टी टॉप से शॉर्ट होता रहेगा। तो आप ध्यान रखिए, निफ्टी में बहुत ज्यादा चांस नहीं है। आपको मंडे मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसका डेली एनालिसिस मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। नो डाउट वीकली चार्ट में अच्छा क्लोजिंग आ रहा है, इसमें 100-150 पॉइंट का SL लेके कोई रिस्क लेना चाहता है तो फिर इसमें 16,500 तक का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो निफ्टी खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन निफ्टी कंटिन्यू मूवमेंट नहीं करेगा, राइट। निफ्टी फंस के ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन होगा नीचे आएगा, गैप अप ओपन होगा नीचे आएगा। तो निफ्टी में दोस्तों अपर साइड में
तीस चालीस पॉइंट कैसे लगा के 50-60 पॉइंट के लिए आप सेल करते रहिए टॉप में अगर आपको मौका मिलता है तब, लेकिन बड़ा ट्रेड मिलेगा नहीं, बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप निफ्टी में स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, बाई निफ्टी में बाइंग रहें, बुलिश रहें, ऐसा पैटर्न मैं देख रहा हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।